कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। ऐसा कैसे हो सकता है आप मेरे लिए कोई चीज लाएं और मुझे अच्छी ना लगे? जानती हो, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है कि तुम्हें मेरी पसंद पे बहुत भरोसा है। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वैसे किस खुशी में आई है? बस ऐसे ही, मुझे अच्छा लगा, मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया। वैसे अगर तुम चाहो तो इसे हमारी शादी की सालगिरह का तोहफा समझ के रख सकती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। मैं सोच रही हूँ जो मैं आपके लिए गिफ्ट लूंगी वो। अरे इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो जी, अच्छा कौन था उसके साथ? नहीं, मेरा मतलब है नाम क्या था उसका? फराज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। किसका फोन है? मुश्ताक का फोन था, वही जिसे हमने दुकान बेची थी। तो अब क्यों फोन कर रहा है वो? मानूर उसके पास गई थी आज ये जानने के लिए कि उसने दुकान कितने की खरीदी। और मजे की बात तो ये है कि उसके साथ उसका वो कलीग, वो लड़का फराज भी था। फराज सारा दिन वो मुख्तलिफ स्टेट एजेंट्स के पास जाते रहे ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं मैंने इस डील में पैसे तो नहीं खाए। खैर, मुश्ताक ने तसल्ली करवा दी थी उसकी। कितनी बेवकूफ है मानूर, गैर मर्दों के साथ जाकर वो आपके बारे में इंक्वायरी कर रही है। अगर वो बंदा दुश्मनी में आकर आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता तो क्या वो मान लेती? यही तो चाहती है वो कि उसको कोई सिरा मिले और वो सारा इल्जाम मुझ पे लगाता। बाकी जिस तरीके से वो आजकल उस लड़के फराज के साथ घूम रही है, जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ रही है, मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे हम उसके अपने नहीं हैं, वो उसका बहुत अपना। खैर, खाला को फोन करके बता दो, उनको भी मालूम होना चाहिए कि मानूर आजकल किन चक्रों में। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अभी अम्मी को फोन करके सब बताती हूँ।